कोई पीड़ित है, दुखी है, इतने सालों से वेदना में है, उनकी 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 पूरी मदद हमें करनी चाहिए। और ये बोल देना कि इसमें प्रावधान नहीं है या इसमें कोई अड़चन आ रही है, ये नाकाफी है। अब तक आप ये तस्वीर देखते आ रहे हैं जब शहीद वीरांगनाओं के साथ सचिन पायलट नजर आए। एक नहीं दो तस्वीरें दिखी, पहली ये जब सचिन पायलट ने अपने आवास के अंदर वीरांगनाओं से बातचीत की, मुलाकात की, और दूसरी ये तस्वीर जब आवास के बाहर कमरे के गार्डन में पायलट वीरांगनाओं के साथ जमीन पर बैठे उनकी बात को धैर्य से सुना और वीरांगनाओं को दिलासा भी दिया। ये सभी वीरांगनाएं कहती रही कि हमें न्याय आप ही दिलाएंगे और हमें आपसे ही न्याय की उम्मीद है। लेकिन फिर क्या हुआ, क्योंकि वीरांगनाओं की ना पूर्व डिप्टी सीएम ने सुनी और ना ही वर्तमान सीएम सुन रहे हैं। दोनों की चौखट पर ये वीरांगनाएं जा चुकी हैं, लेकिन अचानक इन वीरांगनाओं को रात में धरने से गायब कर दिया गया। लेकिन वीरांगनाओं की लड़ाई सिर्फ किरोड़ीलाल मीणा लड़ रहे हैं। लेकिन अब हम आपको पायलट की वो तस्वीर दिखाते हैं जो एकदम ताज़ा है और आपने अब तक ये बयान नहीं सुना होगा। सर शहीद वीरांगनाओं का धरना, सर राम राम साहब, जिंदाबाद सर। एक सर शहीद वीरांगनाओं का धरना, सर शहीद वीरांगनाओं राम राम साहब, क्या कहोगे, क्या होगा। मीडिया ने जब शहीद वीरांगनाओं के धरने पर सचिन पायलट से सवाल किया तो पायलट ने मौन साध लिया और कुछ भी नहीं बोले। पायलट साहब ने हाथ जोड़ी और राम राम कह दिया। पायलट ने वीरांगनाओं के मामले पर चुप्पी साध ली और कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। क्या पायलट को गहलोत के डर से चुप्पी साधी या फिर डर किस बात का है, क्योंकि ये वही पायलट है जिन्होंने वीरांगनाओं की समस्या को लेकर गहलोत को पत्र लिखा था और पुलिस के व्यवहार को लेकर भी बयान दिया था। पुलिस ने व्यवहार किया वो बहुत निंदनीय है, नहीं करना चाहिए था, खासकर उन महिलाओं के साथ जिनके घर वालों ने इस देश के लिए शहादत दी है। और इनकी जो मांगे हैं, किसी ने जमीन की बात रखी है, किसी ने चारदीवारी की बात रखी है, किसी ने एक मूर्ति की बात है, किसी की नौकरी की बात है, उन सब, क्योंकि अगर हम बाकी लोगों के लिए प्रावधान बनाकर आकर पूछ सकते हैं तो मुझे लगता है पहली प्राथमिकता हमारी इन लोगों के लिए होनी चाहिए। इसमें पक्ष विपक्ष पार्टी विचारधारा की कोई बात ही नहीं है, इन लोगों को, और खासकर से मैं जो हाल देख रहा हूँ, आज मेरे घर पे आई है। लेकिन इन वीरांगनाओं को भरोसा था कि सचिन पायलट उनकी मदद करेंगे, उन्हें न्याय दिलाएंगे। लेकिन यहाँ तो सचिन पायलट ने वीरांगनाओं के सवाल पर चुप्पी साध ली और राम राम कह दिया। अब वीरांगनाओं के साथ सिर्फ किरोड़ीलाल मीणा खड़े हैं और किरोड़ीलाल मीणा को सामोद जाने से रोका जा रहा है। लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर सचिन पायलट अचानक कैसे पलट गए जिन्होंने सरकार पर लेटर के जरिए दबाव बनाया।